खबर है कि खूंखार आतंकी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। जहां अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत समेत कई देश आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादियों की सूची में शामिल कराने की सभी कोशिशें कर रहे हैं, तो चीन और पाकिस्तान उसको बचाने में जुट गए हैं। चीन मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर हो रहे प्रयासों को विफल करने में लगा है। तो चीन मसूद को बचाने के लिए अब तक 4 बार वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है। अब जब अमेरिका मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल करने के लिए सुरक्षा परिषद में फिर से प्रस्ताव ला रहा है, तो चीन बौखलाया है और चेतावनी दी है। चीन आतंकी मसूद अजहर के लिए अमेरिका से भिड़ने को तैयार हो गया है। उसने अमेरिका पर मसूद अजहर के खिलाफ जबरन प्रस्ताव लाने का आरोप लगाया है। हालांकि अमेरिका को इस प्रस्ताव को फ्रांस और ब्रिटेन का भी समर्थन प्राप्त है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि अमेरिका 1267 सैंक्शंस कमेटी को बाईपास करके सीधे सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव ला रहा है। यह बातचीत के माध्यम से मुद्दे को सुलझाने का सही तरीका नहीं है। बीजिंग में विदेश मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चीनी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका का यह कदम सुरक्षा परिषद की अहम आतंकवाद रोधी 1267 सैंक्शंस कमेटी के अधिकार को कम करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि यह प्रस्ताव लाने का सही तरीका नहीं है और वैश्विक एकजुटता के अनुरूप नहीं है। इससे यह मुद्दा सिर्फ जटिल ही होगा, लिहाजा हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो सतर्कता से काम ले और जबरन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से बचे। इससे पहले मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने की कोशिशों पर 4 बार अड़ंगा लगा चुका है चीन। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी मसूद अजहर के संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों का एयर स्ट्राइक की थी। इसमें काफ़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की बात की जा रही थी। वहीं भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र में हवाई हमला कर रहा है, जिसका भारत में मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने से बौखलाया पाकिस्तान अब चीन के दरबार में जा चुका है। अमेरिका ने पहली बार सुरक्षा परिषद को सीधे प्रस्ताव भेजा है और इसी को ध्यान में रखते हुए चीन बौखलाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के सूत्रों ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि पहली बार बुधवार को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने मसूद अजहर का नाम ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए सीधे सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव भेजा है। ऐसा प्रस्ताव अनापत्ति संबंधी किसी प्रावधान के तहत नहीं आता। अगर मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल कर लिया जाता है तो उसकी यात्रा पर प्रतिबंध लग जाएगा और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। देखना है कि चाइना और अमेरिका के बीच हो रहे इस विवाद में कौन जीतता है, चाइना या अमेरिका। आतंकवाद के खिलाफ हो रहे इस जंग में भारत के साथ खड़े विश्व के तमाम जो देश हैं उनसे भी चीन को आपत्ति है और चीन कहीं ना कहीं भारत के इस कदम से बिल्कुल हड़बड़ाया हुआ है कि तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा भारत अब देश में बहुत तेज़ी से एक मजबूत देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा होने लगा है।